नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की भारत और समकालीन विश्व हस्ट के नाम से जो आपकी बुक से, उसी पर हम लोग थे। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका खत्म कर चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देख चुके थे। आज हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को देखते हैं। तो याद रखिए, आपको बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है। और कक्षा 9वीं से जितनी भी आपकी बुक्स हैं कक्षा 12वीं तक की, आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। याद रखिए, अगर आप स्टेट किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर आईएएस की, ठीक है, सिविल सर्विस, तो कक्षा 6वीं से अगर 8वीं तक पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं है आपके पास टाइम तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक तो आपको पढ़ना ही है। सामाजिक परिवर्तन का योग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर ए स्टेट्स और श्रेणियों में बांटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। समय भारत में भी राजा राम मोहन राय और टेरो चियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इस विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग-अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार तो थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे-धीरे हो। एक खेमा यानी कि एक पक्ष समाज का अमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे और कुछ आपके उदारवादी या फिर अमूल परिवर्तनवादी, इसे आप लोग रेडिकल भी बोलते हैं, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क था और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थी। यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का हर काल परिवेश में ही नहीं होता है, यानी कि बदलता रहता है उस समय, ठीक है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखलाओं का हिस्सा बन गया। तो बात करते हैं उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज में परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, यानी कि सबको बराबरी का हक मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यानी कि हर देश अपने अपने एक धर्म को मानता था, बढ़ावा देता था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या फिर उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
आप सभी जानते हैं कि पहले इस तरह के अधिकारों का कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा जब यूरोपियों को लगा कि युद्ध में ढकेल देना चाहिए भारत को, उन्होंने ढकेल दिया। जब उन्हें लगा कि खेती, किसानों से खेती करवानी चाहिए, नील की खेती, उन्होंने वो भी करवाई। तो आप समझ सकते हैं कोई मतलब किसी के अधिकार, कोई अपना अधिकार नहीं मांग सकता था, कोई अपने मन से नहीं चल सकता था, कोई ये नहीं बोल सकता था कि हम ये काम नहीं करके वो काम करेंगे। ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित कर किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए, पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यह आपके देश में भी हुआ, तो इसमें नेहरू जी का काफी बड़ा योगदान रहा कि सबको वोट यानी कि सभी नागरिकों को बराबर का हक दिया गया है। फिर चाहे आप गरीब हो या फिर शिक्षित हो या अमीर हो या अशिक्षित हो, आप सभी के वोट की कीमत निर्धारित है, यानी कि जितना अमीर के वोट की कीमत है उतनी ही आपके वोट की। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये कभी इसके पक्ष में नहीं थे कि केवल संपत्ति या शिक्षित लोग ही वोट दे सकें। वो चाहते थे कि सभी देश का सभी नागरिक इसमें भागीदारी ले सके। आप सोचिए, अभी अगर ये हालत है हमारे देश में गरीबों की, अगर उन्हें वोट देने का अधिकार ना होता, तो अभी जो नेता दो चार चुनाव में दो चार बार उनके पास हो आते हैं गरीबों के पास, इस फिर वो लोग इसके लिए भी ना जाते, क्योंकि अभी तो उनके मन में लालच रहता है, वो जनता तक कम से कम जनता की सुनते रहते हैं। अगर वो लालच ही खत्म हो जाता तो लोग बिल्कुल भी ना जाते। आप सोचिए, अधिकतर लोग हम सब में से क्या करते हैं कि अगर उनसे बोल दिया जाए कि सिविल सर्विस के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेंगे। वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पास करना है, यानी कि आईएएस फाइट करना है, बनना है। ठीक है, तो इसी तरह समझ सकते हैं। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों को, संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के साकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि एक आपके क्षेत्र में एक बहुलवादी यानी कि बहुसंख्यक जाति है और एक अल्पसंख्यक जाति है, तो आप लोग जिसके पास बहुमत है यानी कि बहुसंख्यक है उसके पक्ष में समर्थन करें, उसका समर्थन करें। तो ये आप लोग रेडिकल समूह के लोग थे। अगर हम लोग रूढ़िवादी तबका की बात करें, तो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुआ। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। बात करते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग के द्योतक थे। यह दो गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था इस समय, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में
ला दिया था। काम के घंटे यानी कि पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी इस समय। ठीक है, आप ही सोचते हैं, अभी भी आप लोग देखते हैं, अभी कोरोना वायरस के जस्ट टाइम यूपी उत्तर प्रदेश ने जो 8 घंटे का काम होता था उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। वेतन वही है जो पहले मिलती थी, वही वेतन है, लेकिन उनका काम बढ़ाकर बढ़ा दिया है, काम के घंटे जो भी थे। मताधिकार की बात करें तो मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन आपका मताधिकार आंदोलन कहलाता है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बढ़ते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से, यह आपका कहां से लिया गया चित्र, हेनरी मेहू, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर 1861 की बनाए गए। देखिए, यानी कि तब से गरीबी चली आ रही है, ना तो अभी तक खत्म हुई है और ना तो आशा आगे तक दिख रही है कि अभी इसे खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे और बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, उन्होंने व्यापार या फिर औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता था कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा और शैक्षिक होगा तो हमारे देश की उन्नति में और उसकी भी व्यक्तिगत उन्नति में योगदान मिलेगा। आप सोचिए, जो स्वस्थ ना हो, अशिक्षा अशिक्षित हो, तो वो क्या काम कर सकेगा? वो ना तो देश की बढ़ोतरी में हिस्सा दे सकेगा, विकास में, और ना ही अपना विकास कर पाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मानव पूंजी ही उपलब्ध होती है, लेकिन मानव पूंजी को उपलब्ध यानी कि उत्पादन करने के लिए इसमें आपका स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रशिक्षण जरूरी रहता है, तभी आप एक अच्छी मानव पूंजी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिस्सेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोप में समाज का, समाजवाद का आना, समाज के पुनर्गठन की संभावना। संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था, उसकी तरफ बहुत सारे लोग ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की
जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है, यानी कि अपने प्रॉफिट से मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसमें आप लोग प्राइवेट कंपनियों को ले सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनियां क्या चाहेंगी कि उन्हें तो अपने अपनी संपत्ति को बढ़ाने का मकसद होता है, उन्हें किसी न तो मजदूर के जीवन शैली से मतलब रहता है न उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से। याद रखिए, समाजवाद जो ऐसी विचारधारा या सिद्धांत व्यवस्था होती है जो समतामूलक समाज और राज्य की स्थापना पर बल देती है, यानी कि सब समाज का भागीदारी चाहती है। ठीक है, जो समाजवाद होता है यह मुख्य ध्येय समाज की आर्थिक समानता चाहता है और यह व्यवस्था पूंजीवाद का विरोध करता है, आर्थिक समानता का समर्थन भी करता है आपका समाजवाद। आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए हैं। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवाद समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को ऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी कि अमेरिका में एक नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नई तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांटते थे। इसे आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। एक गांव में 50 आदमी है, 50 मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करें, उसके बाद जो भी प्रॉफिट हो यानी कि लाभ हो उसे आपस में बराबर बराबर बांट लें। ठीक है, कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 तक का इनका जीवन काल रहता है। फ्रेडरिक एंगल्स या आपका 1820 से 1895 तक इनका जीवन रहता है। ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूर की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहे। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया है। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज की भविष्य का समाज हो। आप अभी भी देखते हैं अपने देश में कम्युनिस्ट नेताओं को तो उनकी अभी भी भाषा वही रहते हैं कि किसानों का हक हो संपत्ति पर, किसानों की मजदूरों की स्थिति सही हो। तो ये वही लोग हैं, ठीक है, जो समाज का भला चाहते थे। चित्र दो को देखिए, यह पेरिस कम्यून 1871 का चित्र है।
इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद यानी कि कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के बढ़ते प्रतिबढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति के पूर्व पीठ का के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीजों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ है। कम्यूनाडो क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा झंडा चुना था। दो, मार्सेस के लिए जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बना। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1972 में युद्ध के रूप में लिखा गया था। ये आपका लंदन न्यूज 1871 से जानकारी मिलती है। आप लोग एक समय एक तरह से साधारण शब्दों में कहें तो समाजवादी समाज के विकास का विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं, और पूंजीवादी ये होते हैं ये आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, इन्हें समाज के से कोई मतलब नहीं रहता है कि हानि हो रही है या उन्हें कठिनाई हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवाद के लिए समर्थन की बात करें तो 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए, और कामों के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एसपीडी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे, और संसदीय चुनावों में भी पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया। ये आपके हर जगह मिल जाएंगे, भारत में भी देख सकते हैं आप तो। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का भी दबदबा बना रहा। ठीक है, बात करते हैं हम रूसी क्रांति पर आते हैं। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। हमारा भारत भी जब आपका आजाद हुआ तो एक तरफ हमारे पास समाजवाद था, एक पास पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी, तो हम लोगों ने दोनों का बीच का रास्ता चुना। गुट निरपेक्ष आंदोलन आपने सुना होगा, ठीक है, इसी से संबंधित, यानी ना तो हम लोग पूंजी एक तरफा पूंजी बात को अपना है, ना ही समाजवाद को, बीच का रास्ता चुन लिया हमने। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर हम लोग नजर डालते हैं। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। मास्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आपका आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। आपके रूसी साम्राज्य रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को
को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। आपके इस चित्र को देख लीजिए, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के राइट हॉल में जार निकोलस सेकंड की मूर्ति है। यह रूसी साम्राज्य को देख लीजिए, आपको केंद्रीय शक्तियां हो गई, ये जर्मनी हो गई, ऑस्ट्रिया, ये आपकी मित्र शक्तियां हो गई, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, मॉन्टीगो, ठीक है, और ये आपकी तटस्थ हो गई, तटस्थ राज्य, ये आपके ऐसे तटस्थ राज्य जो राज्य में जो बाद में केंद्रीय शक्तियों में सिज्जा मिली थी, ठीक है, और ये आपके ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में मित्र शक्तियों से जा मिली थी। 1914 का यूरोप का मैप है। मानचित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया। आपको पता होगा अभी जो आपका मानचित्र आया हुआ है वर्तमान में, इसमें रूस और कुछ ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं और एशिया महाद्वीप में भी आते हैं, क्योंकि 1900 आपको पता होगा 1991 में रूस का विघटन हो गया। पहले ये सोवियत संघ कहलाता था, फिर अब रूस कहलाने लगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, यानी कि किसानी करता था। रूसी साम्राज्य के लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर रहता था। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज्यादा नहीं थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक भी था। निर्यात का मतलब बेचना, ठीक है। उद्योग बहुत कम थे इस समय। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके हुआ करते थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत से कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। इस पिक्चर्स को आप लोग देख रहे होंगे, देखिए, युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान, बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ता हाल मकानों में रहते थे। ये हालत थी किसानों की। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली रात 15 घंटे तक खींची जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। इस समय मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31%, कितनी, 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले
कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक किन्हें महिलाओं को मिलता था। ये असमानता आज भी आप लोग देखने को मिलती है। ठीक है, मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। आप भी जान सकते हैं कि जब आपके पास इनकम ज्यादा होगी और किसी दूसरे के पास इनकम कम होगी तो आपके रहने सहन में, कपड़न में, कपड़े पहनने में भी आपका व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है, महंगे पहनेंगे आप लोग, खाना भी VIP होटलों में खाएंगे, वो जिनके पास इनकम कम होगी वो अपने हिसाब से रहेंगे। या कभी कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या फिर आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम ही थे। क्रांतिपूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर, देख सक रहे हैं आप, वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी नौकरी से निकाल दिया जाता था इन्हें, तो उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा रहता था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली हुई थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रेटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयां भी लड़ी थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कौन? नवाब। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यानिको के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। समय एक एक कारखाने और दुकान में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से रो दिया जाता था। गैरकानूनी बैठकें जरूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या फिर कई मंजिला इमारतों की श्रेणियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास पलक का काम संभालते थे। मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहां सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे, जरूरी फैसले ले लिए जाते थे। ठीक है, चलते हैं हम रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक सैमिक पार्टी का गठन किया गया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसमें मजदूरों को संगठित किया
अवस्था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग थे, यानी कि समाज के प्रति अच्छी भावना रखते थे। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान की क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय भी थे। आपके सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन भी कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलनों का हिस्सा नहीं होते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद भी थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी कि राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो दूसरा खेमा था मनसेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उथल पुथल का समय अब चालू होता है। 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 में क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम भी किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक यानी कि जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों का समर्थन भी मिलता था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ एशियन वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूक्टिलियो आयरन बक्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी कि जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति शुरुआती इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों डॉक्टरों इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना भी कर दी। अगर हम लोग निरंकुश राजशाही की बात करें तो राजा का बिना रोक टोक शासन निरंकुश राजशाही कहलाते। जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वास्तविक वेतन यह इस बात का प्रमाण था कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी
जा सकती है, जैसे आपका वास्तविक वेतन कहते थे। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद यानी कि ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों को की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में आ रही थी। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनः निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया गया। वह किसी तरह की जवाबदेही या फिर अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया। अब चलते हैं हम लोग पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। आपको पता होगा कि 1914 में आपका पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। दूसरे खेमे में आपके फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हुई थी। इन देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है आपका। इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जरीना यानी कि जार की पत्नी महारानी अलेक्सांडा के जर्मन मूल का होने उसके घटिया सलाहकारों और खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। उसी तरह से जिस तरह से हमारे राहुल बाबा के सलाहकार रहे थे दिग्विजय सिंह, राहुल कांग्रेस के सलाहकार हैं, वरिष्ठ सलाहकार। आगे चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों, इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेनाएं वहां टिक ही ना सकें। फसलों और इमारतों के विनाश के रूप में रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जाल दोनों को अलोकप्रिय बना दी। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे, यानी कि उनका भी मनोबल टूट रहा था। देखिए इस चित्र को आप लोग देख रहे होंगे। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही थे। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशक्त सेना थी। जब सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया, तो जार की सत्ता भी ढह गई थी। यूरोप ने पहले विश्व युद्ध से उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव यानी कि असर पड़ा। रूस के अपने उद्योगों तो वैसे भी बहुत कम थे रूस में, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे
उस पर अब आपकी जर्मनी का कब्जा हो गया था। किसका? जर्मनी का। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी। जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सदियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। समझ सकते हैं आप, युद्ध की स्थिति इतनी खराब होती है। जितने लोग युद्ध से नहीं मरते हैं उतने भूख से मरने लगते हैं। पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सदियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरह तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हुई। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध भी कर रहे थे। नए सब तालाबंदी, फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना क्या कहलाता है? तालाबंदी। इसी तरह के आप लोग पॉइंट पकड़ रही और निकल जाइए, ठीक है। 22 फरवरी को दाए तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री में कि मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर ऐलान कर दिया। बहुत सारी कारखानों में हड़ताल करने औरतें भी कर रही थी। इसी दिन को भारत में बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पर पार करके राजधानी की बीचों बीच निवसती प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 26 तारीख को यानी कि 26 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह काम के लिए के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत यानी कि परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक अब ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को सोवियत कहते थे। इस पिक्चर्स को देख रहे हैं आप, ये आपकी ड्यूमा में पेत्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी 1917 में। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे।
उसने कमांडर की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और डीमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजगद्दी को राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति यानी कि झंडा पेत्रोग्राद की जनता के हाथों में था। फरवरी क्रांति में महिलाएं, महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेली ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का हन कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित किया था और उसके लिए पावरोटी भिजवाई। उसने पावरोटी तो ले ली लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूख के हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गईं। धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए। पूरा हुजूम सड़क पर निकल आए। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि कहीं भी क्रांति हो या कोई भी विद्रोह तभी सफल होता है जब हर वर्ग उसमें शामिल हो, फिर चाहे वो महिलाएं हों, पुरुषों, किसान हो, मजदूर हो, पढ़े लिखे हो, सभी को शामिल। आप सोचिए 1857 की क्रांति हमारे यहाँ हुई एक बड़े स्तर पर भी, लेकिन वो सफल नहीं हुई क्योंकि उसमें पढ़े लिखों का नेतृत्व तो कम था, सूझबूझ भी कम थी। ठीक है, कई लोग उसी में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं और 1942 तक आते आते देखिए आपकी पूरी स्थिति बदल जाती है, पूरा देश एक तरफ चलता है, एक दिशा में, तभी जाके हमें आज़ादी भी मिली हुई है। ठीक है, अभी भी आप सोचिए कि अगर एक कोई भी तबका कोई भी आंदोलन करता है वो मुश्किल से सफल हो पाता है, लेकिन अगर पूरा देश चाहता है तो वो तुरंत सफल हो जाता है। फरवरी के बाद की घटनाओं पर बात करते हैं। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेत्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। जो लेनिन की मांगें थी इन्हें क्या कहते थे, अप्रैल थीसिस। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जब अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करके के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन देना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में
अपनी प्रतिनिधि भेजे। जैसे 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 अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी तो बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने के मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या फिर भागना पड़ा। ये देख रहे हैं आप चित्र। अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित करते लेनिन एक बोल्शेविक छवि। ये है आपके लेनिन। गांव में किसान और उसके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर ली। जुलाई के दिन 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य आप इसी उसी तरह से इसे ले सकते हैं जैसे हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर आती है आपकी अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री ट्रोबियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाए। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री करेंस की सैनिक टुकड़ियों को लेकर इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर डेरा यानी कि घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। फलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन ओरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर बमबारी हुई यानी गोलीबारी हुई, खासतौर से मास्को में। लेकिन दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका। जैसे आप लोग एक कहानी की तरह पढ़िए पूरी बुक्स को, जो भी NCERT की बुक्स हैं, तो आपको बेहतर फायदा होगा, ठीक है? क्योंकि आप भी देख रहे हैं इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं है जिसे समझाया जा सके, तो बस आपको पढ़ना है एक दो बार, निकल जाना है। रटने वाला कुछ मैटर ही नहीं है, ना ही ऐसा कोई शब्द आ रहा है जो आपकी समझ में ना आ सके। बस आपको पढ़ना है और आराम से धैर्य रखकर। रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रिगोरियन कैलेंडर अपना लिया जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति
7 नवंबर को संपन्न हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। 1850 से 1880 रूस में समाजवाद पर बहस। 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है। 1898। 1905 खूनी रविवार और 1905 की क्रांति जैसी घटनाएं घटती हैं। 1917 2 मार्च को जार द्वारा पद त्याग किया जाता है और 24 अक्टूबर को पेत्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह होता है। 1918 से 20 में गृह युद्ध होता है। 1919 में कोमिंटर्न का गठन होता है और 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत होती है। इन महत्वपूर्ण डेटों को याद रखना है। कोमिंटर्न, ये शब्द आप लोगों ने ऊपर देखा है, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है आपका। ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये पेत्रोग्राद में लेन बाएं ट्राटस्की दाएं मजदूरों के साथ खड़े हुए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अक्टूबर के बाद क्या बदला क्रिया। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थी। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। हमारे देश में भी आपने देखा होगा 1969 से पहले सभी बैंकें जो थी वो राष्ट्रीय यानी कि हमारी जनता से दूर थी, निजी क्षेत्र के कब्जे में थी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के समर में, ठीक है, फिर आपका 1980 के करीब आपका 6 बैंकों का, पहले आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, फिर आपका 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। सबके मतलब सबके लिए बैंकें खुल जाती हैं जब किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरों बेघरवाद और जरूरतमंदों लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियो नौ का चुनाव किया गया। आप इस तरह से ले सकते हैं इसे कि जैसे ही हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद हमारी सरकार क्या कहती कि पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर बराबर बराबर सबके लिए बांट देती, समझ रहा है इस बात, या फिर छोड़ देती कि अपना अपना मतलब हर आदमी के लिए, किसी के पास अगर 50 घर हैं या 5 घर हैं तो उसमें से एक घर उसके रहने के लिए दे दिया जाए, बाकी जो जरूरतमंद हैं उनके लिए दे दिया जाए। ये आपके रोशने में हुआ, ठीक है, 1918 के करीब, 17-18। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन उन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लेटोविस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रहेगी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया, यानी कि जहां एक दल रह जाए। आप चीन को भी देख सकते हैं, एक ही दल बचा हुआ। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता है। गुप्तचर पुलिस,
जिसे पहले चेका फिर बाद में ओजीपीओ तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित कर दी थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग भी किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी ने से मोहभंग भी होने लगा। आप समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ देश आजाद हुआ हमारा, तो हमारे यहाँ कई नेता चाहते थे कि एक ही दलीय राजनीति हो, यानी कि एक ही, जैसे कांग्रेस है आपकी तो कांग्रेस ही बनी रहे, बीजेपी ना हो, बीएसपी ना हो, सपा, इस तरह की है पार्टी, बहुदलीय व्यवस्था ना हो। लेकिन गांधी जी और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से बहुदलीय व्यवस्था बनाई गई। ये आप पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये सोवियत टोपी पहनी एक सिपाही है। मास्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918 में, अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके दो दृष्टिकोण। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदारों की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए, उसके विशाल का बाग के पेड़ काट कर सारी लकड़ियां लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई, उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई, उसकी जमीन किसानों के बीच बांट दी गई, जो एक नई सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थी। आपका फिदोर बेलोव द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत कलेक्टिव फार्म से लिया हुआ वक्तव्य। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदारों को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविच जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी, इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करते हैं। हमारे पास दो गाय दो घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र ना करें, उन्हें जीने दो, उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हमने उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरे जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या फिर यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। सर्ज सिमेंट मान एकोज ऑफ द नेटिव लैंड टू सेंचुरीज ऑफ द रशियन विलेज से लिया गया ये वक्तव्य आपका। अब बात करते हैं हम लोग गृह युद्ध की तरफ चलते हैं। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों यानी कि रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियां ग्रीन्स और जार समर्थकों यानी कि राइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चलते गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल रही थी। आपकी वराइट में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जनसमर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक
भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण यानी कि इनका नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी, जहां रूसी उपनिवेशवादी भी बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे। जहां यह मदद काम नहीं आ सकी, मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंतरिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया दो दृष्टिकोण एम एन रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो याद रखना कम्युनिस्ट पार्टी के गठन किसने किया था, एम एन रॉय साहब ने। भारत चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने क्या लिखा है, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था, उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था। उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिस्तान लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाली युवक ने हुंकार लगाई, इंकलाब जिंदाबाद, पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा। एम एन रॉय मेमोअर्स 1964 में उनके ही वक्तव्य हैं। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी कि फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे, दूसरी क्रांति की खबर से भी अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति में उन्हें जार के दमनकारी शासन से आजाद कराया था, ये उम्मीद जताई गई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति हिंसा लूटपाट करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। एक काजाक नेता 1919 में अलेक्जेंडर बेनिंगसन एवं चंताल केल के जी ले मोवमेंट्स नेसोन सेज ले मुसलमान्स दे रूसी 1960 में उद्धृत किया गया, ऊपर जो वक्तव्य है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। समाजवादी समाज का निर्माण, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली दो योजनाएं 1927 से 1932, दूसरी 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल कोयले स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में
कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रियायती क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। इस समय फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बाल बावड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। आप समझ सकते हैं, 1930 के करीब आप रूस की तरफ सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाएं ये बदलाव शुरू होने हो गए, लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं आप लोग 1951 के करीब पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, तब सुधार किए गए। अभी भी 2019-20 तक भी कुछ कुछ सुधार हो ही रहे हैं। ठीक है, स्वायत्तता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार होता है आपका, स्वायत्तता। घुमंतु, ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते, बल्कि अपने आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते। कार्य स्थितियां, काम के हालात कार्य स्थितियां कहलाते। घुमंतु में आप लोग उन्हें भी शामिल करते थे, पहले बंजारे लोग होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, पहले प्राचीन भारत में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की जातियां हुआ करती थी, जो झूम खेती भी किया करती थी, लगभग उन्हीं की तरह होते थे। चित्त 14, कारखानों को समाजवाद के प्रतीक भी की तरह भी माना जाता था। पोस्टल में लिखा था कि चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। चित्त 15, 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। चित्त 16, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्नीटोगोर्स्क का एक बच्चा, यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। 17, चित्त 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष था। बॉक्स 4, यूक्रेन की एक गांव में समाजवादी खेती। 2, कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों से हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट लिया जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारे रिहायशी मकानों और सुविधाओं को कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। फेदोर बिलो, द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म से लिया गया है। ठीक है, पहुंचते हैं आगे, हम लोग चलते हैं। स्टालिन वाद और सामूहिकीकरण, नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाजों का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उसने ज्यादा कीमतों पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। जो कीमतें निर्धारित की गई थी उससे ज्यादा कीमतों पर अनाज कोई नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक
इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जो रूस में एक तरह से अमीर किसान हुआ करते थे उन्हें कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया था कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों को सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य के नियंत्रण यानी कि सरकारी नियंत्रण वाले विशाल काय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी किया। ज्यादातर जमीन और साजू सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे। कोल खोजों के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में एक तिहाई कमी आई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या फिर देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, यानी कि कोई वृद्धि नहीं। 1933 से 33 के बीच खराब फसल के बाद जो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा जिसमें आपके 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था की अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो फिर जेलों में या फिर श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए। उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। आपने देखा होगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है जिसमें आपकी गांधी जी शामिल होते हैं। बिहार के किसानों को पहले कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनकी सुनता हो। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और भी आपके जो भी नेता हुए पहले उनसे कहा, उन्होंने निवेदन किया बिहार आने का चंपारण, लेकिन उनमें से कोई नहीं गया। किसी भी कारणवश हो सकता है, लेकिन गांधी जी आपके गए। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी वहां चंपारण गए और उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने उसमें सफलता भी ली। यहां कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ प्रिय दादाजी कालीनिन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं, हमारे पिता अब नहीं है, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है, मैं बहुत पढ़ना चाहता पर स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वह इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास ना तो पैसा है ना ही रोटी, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ, हमारे सामने पढ़ने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है, व्लादिमीर इलीच लेनिन ने यही कहा है, पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार
भूखों मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक द्वारा लिखा गया पत्र है 1933 में। ठीक है, ये पिक्चर्स देख रहे होंगे आप लोग। सामूहिकीकरण के दौर का एक पोस्टर, इसमें लिखा है कि हम खेती में कमी लाने वाली कुलत पर वार करेंगे, यानी कि बड़े किसानों पर वार करेंगे। यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहते। उसने क्रिस्टियान स्काया गजेटा यानी कि कृषक समाचार पत्र को यह खत लिखा। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरा परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का और 2 बेटियाँ 19 साल की हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है और 1932 से मेरे ऊपर इतनी भारी कर थोप दिए गए कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में जो तो स्थानीय अफसरों ने कर और बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी गई लकड़ी सब कुछ कुर्क करके बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी थी। कोलखोज ने ही उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों झोपड़ियों में से भी एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया। 20 सोकोलो ऑप्स चेस्टो एक ब्लास्ट भी 1937 में ये गोदी, ये वक्तव्य जो लिखा है कहानी, ये इसी से लिया गया। सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। यह स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कठिनाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में भी फैल गई। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुए। विद्रोही किसानों का ज्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी, औजार उन्हें लौटा दिए जाए। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। 656 को मृत्यु दंड दिया गया। 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया और 5,580 को देश निकाला कर दिया गया। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख के एम कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी को केंद्रीय समिति की को भेजी गई रिपोर्ट 9 मार्च 1930 को, उसी से लिया गया है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटी किसान औरतें। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव देखते हैं हम लोग। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनत कसों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया था, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाई गई कॉमिंटर्न, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया गया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा भी दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली
रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विभिन्न प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। ये आप देख रहे होंगे, इंडो सोवियत जनरल का लेनिन विशेषांक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के लिए जनमत निर्माण किया। बॉक्स 5, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे आपके भारतीय भी थे। इनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी आपके थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी है। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती थी। हिंदी में आर एस अवस्थी ने 1921 में रशियन रिवोल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक भी लिखी है। उनके अलावा एस डी विद्यालंकर ने द रिबर्थ ऑफ रसिया और द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया है। क्या हुआ है? बहुत कुछ लिखा गया। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुंचे। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। पिति क्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबों के बावजूद लोग बाग पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति में उनमें आत्मविश्वास और निर्दयता भरी थी। 50 अलग अलग अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया। आप वहां मजदूरों, किसानों, सिपाहियों और सभी को पेशर व वक्ता की तरह बहस करते देख सकते थे। शौकत उस्मानी, हिस्टोरिक टिप्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी में लिखा है वक्तव्य, ठीक है। रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगहों पर मजदूर ही है। यहाँ आम जनता रईसों के साय में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। यहाँ महज एक दशक पहले से भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज्यादा अचंबा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका। ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने बोला है। पिति क्रांतिकारी क्रांति विरोधी शब्द है।
तो ये था आपका दूसरा चैप्टर। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी चैप्टर, कक्षा 9वीं से जो भी आपकी बुक्स हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए थोड़ा लेक्चर भी बड़े हो रहे हैं। तो ये था आपका यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अगले अध्याय में हम लोग बात करेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसी अध्याय से संबंधित ही आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख लेना। याद रखिए आपकी जो भी पीडीएफ होती हैं टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, ठीक है।